आउट एंड शी नोज आई एम सेफ. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. ऑफकोर्स सैनिटाइजिंग करते रहो. कर्फ्यू के नॉर्म्स में जैसे नव्या ने पार्टी रखी है, सब ने मास्क पहने हुए हैं, कम लोग हैं. दैट्स ग्रेट. टू बी वेरी ट्रूथ कि मैं जानती हूँ कि 2020 हमारा बहुत ही बुरा गया है. हमने बहुत सारे अपने खोए हैं. इवन मैंने खुद की, मेरी दादी, माय दादी इज नो मोर नाउ, बट आई थिंक ये बर्थडे उन सभी के लिए एक गिफ्ट है छोटा सा मेरी तरफ से. 2020 को एक गिफ्ट है. लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सफरिंग का माहौल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेशन एंग्जाइटी रहा है, लोगों ने सुसाइड किए. हमारे अच्छे अच्छे बॉलीवुड के आर्टिस्ट, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आता है कि जिनका नाम इतना बड़ा है, बड़े लेवल पे नाम होने के बाद उन्होंने सुसाइड किया है. तो हम जैसे लोगों के लिए तो इट वुड बी मोर डिफ़िकल्ट. बट हाँ, मेरे लिए मेरा ये बर्थडे मैं उन सभी लोगों की याद में सेलिब्रेट कर रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि हाँ, दुख का पल बहुत हो गया और शायद कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है. यानी कि अगर ये वायरस है या फिर ये इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें प्रिकॉशंस रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना है, बट हाँ, लाइफ भी जीनी है. आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैंने 10 से ज़्यादा फैशन वीक किया है. मैंने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में अर्चना कोचर के लिए वॉक किया है, पद्मश्री अवार्डेड वेडनल रॉड्रिक्स के लिए वॉक किया है, टेडेक्स में मैं मोटिवेशनल स्पीकर रह चुकी हूँ, जो कि आई थिंक मेरे बहुत बड़ी बात है कि एक बिहार के छोटे से गांव से होके आने के बाद इतना बड़ा सफ़र तय करके मुंबई जैसे शहर में अपना एक छोटा सा मुकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है. तो आई थिंक हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ट्रांसवुमेंस हैं जो पायलट हैं, जो कि जज हैं, पुलिस हैं, और आज अपने हर तबके पे नाम रोशन कर रही है. तो जितना अचीवमेंट किया अभी हाल में लक्ष्मी आई, जो लक्ष्मी नारायण जी, हाँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की, चाहती हैं कि आप पे भी कोई मूवी आए और आए तो क्या सब तो क्या शोकेस करना चाहेंगे? अगर मेरे पे कोई बायोग्राफी आएगी तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ट्रू आइडेंटिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी के लिए ही लड़ाई करते हैं, समाज से भी, खुद से भी, फैमिली से भी. तो अगर ये कोई भी फिल्म आनी चाहिए या इस तरह की कुछ भी आनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ट्रू आइडेंटिटी वुड बी द गुड बेस्ट नेम दिस टाइम. अभी एक फिल्म भी आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है गज़ल धारीवाल, उसने राइटिंग किया था, शी वॉज द राइटर. तो आई थिंक इस तरह की LGBT फिल्में आनी चाहिए, बट अच्छा मैसेज देना चाहिए. देखिए, नव्या मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और आज नव्या का बर्थडे है और हर साल हम साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. और मैं तो चाहूँगी कि नव्या अपनी लाइफ में बहुत आगे सक्सेस हो और कामयाबी का ऐसे कामयाब तो है नव्या, और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़े. आपके बारे में कुछ बताइए, आप क्या कर चुकी हैं अभी तक, क्या आपका पैशन है, एक्टिंग से जुड़ी हैं या नहीं है, क्या आगे? देखिए, मेरा नाम है ना मीना धनराजन, राजस्थान से हूँ और मैंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की हैं, मैंने TV सीरियल किए हुए हैं, हिंदी TV सीरियल किए हुए हैं और अभी भी मैं एक मूवी कर रही हूँ जो कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर है. तो ये जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम मिलता है, किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं आपको, क्योंकि माहौल काफ़ी बदला है, लोग की सोच बदली, अच्छी सोच ये है, तो क्या बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कम्युनिटी को लेके कुछ कह जाऊंगा अपने बातों में, ऐसा मुझे लगता है. और नाबिया, वाकई आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और माशाल्लाह इसी तरह खूबसूरत जैसे तुम दिखती हो, खूबसूरती अपने बिखरती रहो सब जगह. थैंक यू सर, एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. एंजॉय लाइफ. मेरी बहुत मैटर करता है, राजकुमार कनौजिया सर आए हैं एंड जाहिर सी बात है कि इन्होंने बहुत ही पहुँची हुई हंसी हैं सर पहली बात तो, और हर कोई जाहिर सी बात है इनकी एक्टिंग का दीवाना है, खासकर मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये मेरी बर्थडे है. और मुझे और अच्छे से लगा कि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है अन्नू जी, अभी भी आई हुई है और ये भी नाबिया को विश करना चाहती हैं. थैंक यू सो मच. द थीम इज आल्सो अ बार्बी डॉल पार्टी, सो थीम बताई नहीं गई थी, सो एवरी गर्ल इज फॉर मी, एवरी वुमन इज अ डॉल. तो जिंदगी में हर लड़की चाहती है कि वो एक बार डॉल की तरह तैयार हो. तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही थीम पे पार्टी रखती हूँ जिसमें कि
सबकी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी. मतलब अभी एक शूटिंग इट हैव इन पाइपलाइन ऑफ कोर्स. It is going to be a rocking 2021, and my best wishes with Nivya and may God bless us, us and her especially, and my best wishes. Recently you were awarded from the Midday brand, so uske bare mein bataiye ki wo kitna experience tha aur kitna bada achievement tha. Midday is something which is very prestigious for me, not just because that I won award, but I respect Midday very much, and getting iconic celebrity and marketing movie marketer from Midday is something very special, and I'm looking forward for 2021. Of course, 2022. मैं सिर्फ इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि आज इनका स्पेशल डे है, एंड मेरे बहुत करीबी दोस्त की बहुत अच्छी करीबी फ्रेंड हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, एंड मैं चाहता हूँ ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाए. एंड कॉमेडी से बिलोंग्स टू इतना आसान नहीं होता है अचीव करना या कम आउट ऑफ द सिचुएशन.